नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, अहम एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में संवाद में कैबिनेट की मीटिंग आयोजित हुई। मुख्यमंत्री की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। युवती ने की मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश, आनंद फानंद में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री आवास के सामने एक युवती ने आत्मदाह करने की कोशिश की। पुलिस ने आनंद फानंद में युवती को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि युवती वीर प्रताप सिंह की बहन है, जो कि 3 माह पूर्व सुबह टहलने निकले थे। वीर प्रताप सिंह का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने आशंका जताया है कि अपराधियों द्वारा अपहरण कर हत्या कर दी गई है, जिसके कारण उसका पता नहीं चल रहा है। बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने किया कार्रवाई, सैकड़ों हाइवा बालू जब्त। रोहतास में अवैध बालू भंडार के कारोबार पर प्रशासन की कड़ाई लगातार जारी है। ताजा मामला रोहतास जिले से है, जहां टेहरी के एसडीओ सुनील कुमार तथा एसएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने पहलेजा मनोरा सुवारा तथा कोल डिपो इलाके में छापेमारी कर 100 से अधिक हाइवा बालू जब्त किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मच गया है। बालू के अवैध कारोबार से जुड़े लोग मौके से फरार हो गए हैं। सीएम हाउस के पास जीएनएम स्टूडेंट ने मचाया बवाल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की परेशानियां कम होते नजर नहीं आ रही है। एक तरफ बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों ने नियुक्ति के लिए कल प्रदर्शन किया था। अभी इसी राह पर चलते हुए बिहार के नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले सैकड़ों जीएनएम स्टूडेंट सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बवाल मचाते हुए नारेबाजी की है। बिहार में मिले कोरोना के 189 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,90,072। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 189 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,90,072 हो गई है। बिहार में फिलहाल 3,698 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए सरकार ने किया फेरबदल। इस वक्त प्रशासनिक गलियारे से निकलकर यह खबर आई है, जहां राज्य के 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। संजय कुमार सिंह को पटना मध्य निषेध का एसपी बनाया गया है, जबकि राकेश कुमार सिन्हा को स्पेशल ब्रांच का एसपी नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार को आर्थिक अपराध इकाई में एसपी के पद पर तैनात किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर पर फिर एक्शन में नीतीश, डीजीपी समेत सभी आला अधिकारियों को किया तवलब। बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बेचैन दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने क्राइम में रिव्यू के लिए कई बार आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन उसका कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर से परेशान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारियों को तलब कर दिया है। नवादा में चोरों का आतंक, एक सप्ताह के अंदर 2 सराफा दुकानों में लाखों की चोरी। जिले में चोरों के आतंक से दुकानदार परेशान हैं। इन दिनों चोरी की घटना में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ताजा मामला जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र के अकौना बाजार की है, जहां सोमवार की देर रात वीना ज्वेलर्स दुकान के शटर काट कर लाखों की ज्वेलरी की चोरी कर घटना को अंजाम दिया गया। ठंड से कांप रहा पूरा बिहार, 26 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप एकाएक बढ़ गया है।
मौसम का मिजाज इतना ठंडा हो जा रहा है कि लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पटना सहित राज्य के ज्यादातर जिले में कोल्ड डे की चपेट में आ गए हैं, जिससे सभी जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052433।